चलो ठीक है, देखो फटाफट। सो दिस इज अवर पेज नंबर 1। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था कि जैसे सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हमने लिया, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप बोल सकते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ये, है ना। और यहां पर आपने एक बॉल लिए और फिर इसको आपने किक मारे विथ एन स्पीड यू, एंड हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सपोज दिस इज एनी बॉल और आपने इसको किक मारा यहाँ पे, सपोज इट इज अ फुटबॉल और आपने इसको किक मारा, आपको यहाँ पर एयर के रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना कि भाई एयर का रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को आपको नेग्लेक्ट करना है कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, यहीं पे लिख दूं मैं, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, और ये जो पूरा मोशन हो रहा है ये नियर अर्थ सरफेस पे हो रहा है, तो इस पे जो एसिलरेशन लगेगा a=g, ये इस तरह से लगेगा यहाँ पे। और वॉल का जो पाथ है, मतलब जो किक आपकी जानी चाहिए वो स्विंग वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी किक स्विंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जो बॉल है वो यहां से चालू हो और फिर इसी पे आके गिरे, यहाँ इसी एक्सिस पे। तो अब मान लो जो बॉल का पाथ है, मैं बॉल का पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर दूं पहले, तो दिस इज द पाथ ऑफ बॉल, ये इसका पाथ है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लो और जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको आप क्या कंसीडर कर लो, वाई एक्सिस। सो दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये एच डी, इसको आपने एक्स एक्सिस ले लिया एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा, ये बॉल फिर यहाँ पे आकर लैंड करेगी, ठीक है। ये और डिफरेंट टाइम पे बॉल की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रहेंगी, ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे पहुंचेगी बॉल ऐसा। तो दिस इज एट टाइम T1 पे, एट टाइम T2 पे, एट टाइम T3 पे, और किसी भी मोमेंट पे बॉल की जो वेलोसिटी है, सपोज दिस इज V1, दिस इज V2 वेक्टर, टेंजेंशियल ड्रॉ करना, दिस इज V3 वेक्टर। कल बताया था मैंने कि पाथ में अगर आपको वेलोसिटी देखना है तो आप वेलोसिटी को कैसे देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी को देखोगे, है ना। ये बताया था ना मैंने कि पाथ में अगर आपको वेलोसिटी देखना है तो आप वहां पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब ये वाले डायरेक्शन में कोई एसिलरेशन नहीं है, तो एसिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलरेशन 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एसिलरेशन है जी, एंड इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब एसिलरेशन का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ आएगा कहीं पर भी हो, दिस इज ऑल्सो जी, यहां पर भी जी नीचे की तरफ, यहां पर भी जी नीचे लगेगा, यहाँ पर भी जी नीचे लगेगा, ये इसको हिट करेगी फिर ग्राउंड को, तो जिस वेलोसिटी से हिट कर रही वो ये वेलोसिटी है, तो एसिलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ पे स्विंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बॉल यहाँ से निकल के ऐसे कुछ आ जाए, है ना। मतलब ये जो मोशन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई प्लेन पर ही हम इस मोशन को पूरा की पूरा डिस्कस कर लें, समझ गए या नहीं। स्विंग नहीं होना चाहिए मतलब जो मोशन है वो सिर्फ टू डायमेंशन, क्लियर हो गया, स्विंग नहीं रहनी चाहिए। अगर स्विंग आएगी बॉल में, ये ऐसी बाहर निकल के आ जाए या फिर ऐसी और अंदर चली जाए, तो फिर आपको एक और एक्सिस बनाना पड़ेगा इसके मोशन को डिस्कस करने के लिए। सो दिस इज द वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको आप क्या बोलते हो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन आप बोलते हो, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, और एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एसिलरेशन नहीं है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एसिलरेशन है वो किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है, एयर रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है वहां पे। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं भी है तब भी वहां पे ग्रेविटी लगती है, और इसी के कारण ये जो बॉल है ये ग्रेविटी के कारण ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ रही। अगर ग्रेविटी नहीं होती ना तो ये बॉल सीधी चली जाती है ऐसे। अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होती और आपने एंगल बना के किक किया तो ये सीधी जाती, नीचे थोड़ी आती। नीचे किसके कारण आ रही है, ग्रेविटी के कारण। यहाँ पे क्या हो रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, समझ गए। और अब आप वेलोसिटी को इनिशियल, कल भी मैंने बता दिया था, ये इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक कर दो तो ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया और ये इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो गया। व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट, इट इज यू कॉस थीटा, एंड व्हाट इज वाई कंपोनेंट, इट इज यू साइन थीटा। हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को ब्रेक कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, आपने वेलोसिटी को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में। और फिर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्स डायरेक्शन के कैलकुलेशन अलग करेंगे और वाई डायरेक्शन के कैलकुलेशन अलग करेंगे। अगर मान लो इसको आपने ओरिजिन लिया हुआ है कि भाई ये ओरिजिन है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एक्स, जिसको आप क्या बोलोगे, आर, दैट इज कॉल्ड रेंज, इसको आप रेंज बोलते हैं, ये इतना। और यहां पर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। यहां मैक्सिमम नहीं, यहां मैक्सिमम नहीं, यहां पे मैक्सिमम है। तो जहां पर मैक्सिमम हाइट आएगी वहां पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये अगर यहां पर भी आप रिजॉल्व करोगे, ये एंगल सपोज अल्फा डिग्री का है, सो दिस इज वी वन कॉस अल्फा और ये वी वन साइन अल्फा, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसलिए आगे जाएगी, नहीं तो यही वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो नहीं है। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और t इक्वल्स टू जीरो पे मान लो आपने यहां से इसको लॉन्च किया है कि भाई ये t इक्वल्स टू जीरो की सिचुएशन है, ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की t इक्वल्स टू जीरो पे आपने इसको लॉन्च किया, तो ये ग्राउंड पे दोबारा कितनी देर में टच करेगी, कैपिटल t टाइम में टच करेगी, जिसको आप क्या बोलोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे। और ये जो पाथ है, ये पाथ की इक्वेशन क्या बनेगी, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म पे आपको पाथ की इक्वेशन निकालना है। समझ गया इतना अभी, हेलो, समझ गया, किसने पूछा, वर्टिकल डायरेक्शन जीरो कैसे, वो समझा नहीं, कौन सा वाला, वो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कैसे, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, यस सर, जीरो आपने बताया ना। हाँ देख, अगर मान ले तू बॉल को सीधा सीधा ऊपर की तरफ थ्रो करता यू स्पीड से, तो ये बॉल ऊपर जाती और फिर वापिस नीचे आती ना, तो जहां पर ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो यहां एंगल बना के थ्रो किया, तो यहां एंगल बना के थ्रो करेगा, तो जहां पे मैक्सिमम हाइट आएगी वहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही, नीचे लग रही ना, तो जैसे 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 ये ऊपर जाते जाएगी, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएगी, इसका जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब यू वाई, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और फाइनली मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या होगा, जीरो, और फिर बॉल वापस नीचे आएगी तो फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी फिर से आने लगेगी। समझ गए सर, तो फिर मैक्सिमम हाइट पे रहेगा ना जीरो, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड जीरो नहीं है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। इसको दो पार्ट में तोड़ देना, एक ये वाला पार्ट हो गया ऊपर जाने वाला, और एक पार्ट ऐसा हो गया कि भाई आपने बॉल को सीधे इस डायरेक्शन में थ्रो किए, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक यू वाई और एक यू एक्स, यू एक्स के कारण इधर जा रहा और यू वाई के कारण किधर जा रहा, ऊपर जा रहा। समझ गए अभी, यस सर, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने इस पूरे मोशन को, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, और दोनों को अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग दोनों
कि इक्वेशंस इंडिपेंडेंट रहेंगी। हाँ, दोनों में जो टाइम है वो साथ में चलेगा, क्योंकि आपने एक ही पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट में ब्रेक किया, तो दोनों के लिए टाइम एक जैसा रहेगा। दोनों के लिए टाइम एक जैसा मतलब, जैसे ये T1 टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये T1, तो T1 टाइम में ये वर्टिकल हाइट ये रहेगी और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना रहेगा यहाँ तक का। जैसे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट इसके x और y है, तो हॉरिजॉन्टल का जो डिस्टेंस x है उसमें भी वही टाइम T1 आएगा, और वर्टिकल का जो डिस्टेंस y है उसमें भी वही टाइम रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की इक्वेशंस में जो टाइम आएगा वो सेम रहेगा, लेकिन बाकी जो वैल्यू है आपकी, जैसे x की वैल्यू, y की वैल्यू, वी x की वैल्यू, वी y की वैल्यू, ये अलग अलग हो सकती है। समझ गए अभी कि नहीं? और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन मैंने कितना लिखा हुआ है, जीरो लिखा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने एक्सीलरेशन कितना लिखा है, जी के बराबर लिखा है, और जिसका डायरेक्शन कैसा है, जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। सर तो फिर उसको माइनस जी लिख सकते? नहीं, अभी मैंने डायरेक्शन बताया नहीं। अब यहाँ पे अगर मान लो तुम क्या करोगे, वर्टिकल अप मोशन को अगर पॉजिटिव लोगे तो जी की वैल्यू माइनस लेना है, क्योंकि जी का डायरेक्शन तुमने नेगेटिव कर दिया, और ये वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो, ऐसा। समझ गए सर? अगर ऊपर नेगेटिव ले रहे तो नीचे पॉजिटिव है। बिल्कुल, अगर मान लो तुमने यहाँ देखो, अगर ऊपर का डायरेक्शन तुमने पॉजिटिव लिया कहीं से भी हुआ ऐसा, तो फिर नीचे का डायरेक्शन आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर मान लो आपने ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव लिया तो फिर नीचे का प्लस आएगा। भाई एक डायरेक्शन को प्लस बोलोगे और एक डायरेक्शन को माइनस। जैसे मान लो इधर से ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। समझ गए अभी? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए x डायरेक्शन को अलग सॉल्व करना, y डायरेक्शन को अलग सॉल्व करना, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अलग सॉल्यूशन, वर्टिकल के लिए अलग, और फिर दोनों को मिला दो। ठीक है, दोनों को कैसे मिलाना वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। अब आप लोग इस पेज का स्क्रीन शॉट लो पहले, दिस इज पेज नंबर वन, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पेज का स्क्रीन शॉट लो बेटा। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। टॉपिक का नाम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, कल भी काफी कुछ डिस्कशन किया था मैंने इसके बारे में। ऑब्लिक वैल्यू अपन ने भी पॉजिटिव लिया तो फिर एरो के पास नेगेटिव होती है ना। क्या जी की वैल्यू पॉजिटिव लिया ना आपने? काय की वैल्यू पॉजिटिव लिया सर? जी की। जी की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव लिया मैंने? डायरेक्शन, डायरेक्शन देख, जी का नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। जी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है, जी का डायरेक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ना। जी की वैल्यू थोड़ी नेगेटिव होती है, जी की वैल्यू तो 9.8 या फिर आप क्या बोलोगे उसको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती बेटा। जी का डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन इज नेगेटिव पॉजिटिव। समझ गए? क्लियर हो गया अभी? डायरेक्शन इज नेगेटिव और पॉजिटिव, जी की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी होती, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलूंगा जी की वैल्यू। जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव बोल रहे हो तो फिर जी की वैल्यू जब आप इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो फिर माइनस लेना। समझ गए? समझ गए अभी कि नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, इस पेज का स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। अब अपन इक्वेशन लिख रहे हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन, एनी टाइम टी पे पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर अपन बाकी, जैसे रेंज कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा है, ये सब इसके बाद निकालेंगे। पहले अपन जनरल इक्वेशन निकालते हैं कि भाई एनी टाइम टी पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है। पहले हम एनी टाइम टी पर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो हो गया अभी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ठीक है, मिटा दूं अभी इसको? यस सर। अब मैं यहां लिखूंगा नहीं कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मैं सिर्फ इक्वेशंस लिख रहा हूं अभी, यहां इक्वेशंस पे आ रहा हूं। सर इस संडे टेस्ट है क्या?
ओके सर, ये चैप्टर आएगा पूरा मोशन इन टू डायमेंशन एंड वेक्टर। ओके सर। नाउ पेज नंबर टू, देखो अभी फिर से डायग्राम फिर से लेना पड़ेगा, डायग्राम दोबारा बनाना। ये लिए हमने, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन जिसको आपने वाई एक्सिस ले लिया, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको आपने एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पे आपने बॉल लिए और यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिन t इक्वल्स टू जीरो पे, ये इस तरह से इसका कुछ पाथ आएगा यहां पर। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल दो, दो कंपोनेंट, मतलब एक हो जाएगा इसका x कंपोनेंट, मतलब ब्रेक कर दो वेलोसिटी को, और ये बन गया आपका y कंपोनेंट। यहीं पे लिख दूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और ये किसकी इक्वल आएगा, u साइन थीटा। इसमें जो एसिलेशन लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ए वाई जी नीचे की तरफ। तो x डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन, x डायरेक्शन में ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और मान लो जो बॉल है वो एनी टाइम टी पर यहां कहीं पर है, एनी टाइम टी पे बॉल यहां पर है, एनी टाइम टी पर कौन सी पोजीशन, ये सपोज पी पोजीशन है, तो इसकी बेटा वेलोसिटी यहां पे कैसे पता करोगे कि यहां वेलोसिटी कैसी आएगी, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट एनी पॉइंट पी, और यहां पर भी अगर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कर दो कि भाई ये भी हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कौन सा हो गया वी एक्स, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया वी वाई, मतलब वी पी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और यहां पर एंगल बन रहा है इसका अल्फा का, तो tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के P के, ये सपोज x और y है, x और y का मतलब, x और y का मतलब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा तुम्हारा ये y दिख रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये इतना, ये x है, तब तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे x और y लिखा, समझ गए। तो अब इसमें आपको भी x की वैल्यू क्या है, भी y की वैल्यू क्या है, और x और y की वैल्यू क्या, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल, आपने के पास में x डायरेक्शन के लिए कहानी है, और y डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए आपके पास एक्सीलरेशन है g, एंड यू वाई किसके इक्वल है आपके पास में, दैट इज u sin theta, initial position is x equals to 0, final position is, initial position along y direction is 0, क्योंकि यहाँ पे आपने origin लिया हुआ है। तो ये जो x है, basically it is delta x, या displacement along x axis, ये क्या है यहाँ पे delta y, this is displacement along y direction, और आप अब क्या कर लो, ऊपर का direction और राइट साइड का ये जो डायरेक्शन, इसको क्या ट्रीट कर लो पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको इक्वेशंस देखनी है, इक्वेशंस कैसे देखनी है कि भाई एक्स डायरेक्शन में आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, मतलब ये वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है अब यहां पर, तो सबसे पहले x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इनटू t, तो vx इज इक्वल्स टू कितना बचा ux, क्योंकि ax है 0 इनटू t, तो vx इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, vx की वैल्यू हमेशा आपकी ux के बराबर रहेगी, ठीक है। vx की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास में, That is Vx is equals to Ux, मतलब velocity का जो horizontal component है वो change नहीं होगा,
वो सीधे सीधे कैलकुलेशन में आएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज गिवन बाय यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स जीरो है तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, ux into t बचेगी। और ux कितना बेटा आपके पास में u cos थीटा है, उसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट भी निकल के आ गया और वेलोसिटी का भी x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेशन देख लो, वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में। अब आपके पास कैलकुलेशन ये y डायरेक्शन पे, तो y डायरेक्शन के जो कैलकुलेशन है यहां पर से देखोगे तो y इक्वल्स टू एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, आया ना? ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट कर देना। तो y इक्वल्स टू यू वाई दिया हुआ है इंटू टी, और ए वाई जी के बराबर, जी का डायरेक्शन नीचे है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दू हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो y कंपोनेंट भी आपने ये निकाल दिए, दिस इज द y कंपोनेंट, मतलब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये आ गया आपका। अब y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो कैसे निकालोगे, दैट इज vy इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप इक्वेशन में, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इनटू t, सो दिस इज uy माइनस gt। तो आपने y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी निकाल दिए, तो आपके पास ये सारे डेटा आ गए, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, y डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे x की पोजीशन आ गई, फिर y की पोजीशन आ गई, सब कुछ आपने निकाल दिया जितना यहाँ पे निकालने का था। समझ गए या नहीं, देख लो अभी कैलकुलेशन देख लो, समझ गए या नहीं, हेलो कैलकुलेशन देख लो बेटा। पर ax जीरो कैसे है? यस सर। हाँ, ax की वैल्यू जीरो कैसे है, चलो थोड़ा सोचो, क्या बॉल को कोई फोर्स एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहा है, क्या बॉल को कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहा है? नो सर, वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है। हाँ, कॉन्स्टेंटली जा रहा है, कोई फोर्स है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कौन है, ग्रेविटी जो उसको नीचे खींच रही है ना, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी है जो उसको नीचे खींच रही है, इसलिए y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसलिए x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आपने कितना ले लिया है, जीरो लिया है। अभी समझ गए या नहीं, इक्वेशन समझ गए? yes, अच्छा, अगर मान लो आपको स्पीड चाहिए कि भाई p पॉइंट पे कितनी स्पीड है, p पॉइंट पर कितनी स्पीड है ये अगर आपको चाहिए, तो ये कैसे निकालोगे कि p पॉइंट पे स्पीड कितनी है? तो स्पीड के कैलकुलेशन के लिए एट पॉइंट पी, नाउ व्हाट इज द स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो वीपी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज इक्वल्स टू स्पीड, ये वीएक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर। तो वीएक्स कहां निकाल दिया अपन ने, ये वीएक्स निकाले थे, यहीं पे लिखना चाहिए था वैसे मुझे यहां पर, ठीक है। वीएक्स की वैल्यू किसके बराबर है, यूएक्स के बराबर है, तो ये चेंज ही नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। और क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का, कौन सा चेंज हो रहा है, वर्टिकल चेंज हो रहा। वर्टिकल कैसे चेंज हो रहा है ये देखो, यहाँ पे इक्वेशन में आपको पता चल रहा है कि वी वाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, इस तरह से ये चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जी आ गया यहाँ पे, यहाँ पे ए है ही नहीं ए एक्स, यहाँ पे जी है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका चेंज नहीं होगा। इसलिए जो भी आपको चेंजेस दिख रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको चेंजेस नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ बोलो सर, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो सामने तो बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, सामने बढ़ता जा रहा है, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन जनरेट हुआ और जिसके कारण वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये समझ गए? तो आपके पास x की वैल्यू डायरेक्ट ux into t रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास uyt minus half gt square के बराबर रहेगी। समझ गए या कोई डाउट है, समझ गए या कोई डाउट है, देख लो अच्छे से बोर्ड पे पूरे कैलकुलेशन देख लो।
पूरे कैलकुलेशन अच्छे से देखो, रुका हुआ हूं मैं, दो मिनट रुकूंगा, पर देखो पूरे कैलकुलेशन अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है इतना, बस इतनी कहानी है इसमें, क्योंकि अब आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यही इक्वेशन यूज में आनी है। मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आप एक इक्वेशन और यूज कर सकते हो, दैट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई वाली, बट बेसिक थीम सभी में यही चलेगी और इक्वेशन ऑफ पाथ भी यहीं से निकल के आ जाएगी कि पाथ की इक्वेशन कैसे बनने वाली है। तो एक काम करो, मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको फटाफट कॉपी पे नोट करो जरा तुम लोग, पूरा डायग्राम सही सब कुछ वैसे ही, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना ताकि पूरा आ जाए, जहां जहां पे अपन लिखे वहीं वहीं पे आप भी लिखना, तो आपकी समझ भी अच्छी रहेगी, उसमें आप एक नजर दौड़ाओगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप लोग कॉपी पे लिख लो इसको एक बार, नहीं तो भूल जाते हैं, फटाफट लिखो 5 मिनट के अंदर, ठीक है, जल्दी लिखो 5 मिनट का टाइम, हाँ ठीक है। नाउ पेज नंबर 3 देखो भी, हाँ पेज नंबर 3। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेशन देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां से आपने बॉल को लॉन्च किया तो दिस इज 0 0, t equals to 0 पे ये इस तरह से जा रही है बॉल, और यहाँ कहीं पे ये पोजीशन p, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, ये इनिशियल स्पीड, तो ये कंपोनेंट हो गया ux, ये कंपोनेंट हो गया uy, और ay equals to g। तो अभी हमने ये कैलकुलेशन किए थे बेटा x और y डायरेक्शन के, ये x और ये y यहाँ पर है ना, x की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी, दैट इज uxt आया था, आया ना, x की वैल्यू uxt आया था कि नहीं, और y की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी आपके, y की वैल्यू दैट इज uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, एंड y इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। समझ गए, समझ गए, x की वैल्यू निकाल लिए थी यही थी, और ये y की वैल्यू है, तो यहां पर से देखो t equals to x upon ux, so this implies that y equals to uy, t की जगह पे आप क्या रख दो, x upon ux minus half of g into x divided by ux का होल स्क्वायर। तो y equals to ux किसके इक्वल है यहां पे, this is equals to u cos theta, और यू वाई किसके इक्वल है यहाँ पे, दिस इज यू साइन थीटा, तो इसकी जगह पे लिख दो यू साइन थीटा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यू से यू कैंसिल हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई, हाँ बोलो, x इज इक्वल टू uxt वो पहले की इक्वेशन थी ना, हाँ ये पहले की इक्वेशन थी ना, ये इसके पहले तो निकाल लिए थे कि x पोजीशन कैसे और y पोजीशन कैसे, तो उन्हीं इक्वेशन को यूज किए, तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे अब आप कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करोगे, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये काय की इक्वेशन होती है बताओ जरा, ये पढ़ाया था मैंने, किसकी इक्वेशन मिलती है, पैराबोला की, पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। ये पैराबोला की इक्वेशन मतलब जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का ये कैसा रहेगा, आप बोल सकते हो पूरा फर्मली दिस इज पैराबोलिक पाथ, मतलब जो प्रोजेक्टाइल चलता है वो पैराबोलिक पाथ में चलता है। यहाँ पे कैसे कंपेयर करो, ए कोफिशियंट हो गया टेन थीटा आपका और बी कोफिशियंट हो गया माइनस वन बाई टू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए की वैल्यू अगर आपको देखना तो ये टेन थीटा है, बी की वैल्यू आपको देखना माइनस जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में, हो गया भाई समझ गए, समझ गए या नहीं? हेलो समझ गए? पांच सेकंड में एक्स स्क्वायर नहीं लिखे क्या, एक्स स्क्वायर नहीं लिखे सर आपने लास्ट सेकंड स्टेप, कहां पे स्क्वायर नहीं किया बेटा, पर वो लास्ट सेकंड स्टेप ही है, किया तो हूं स्क्वायर, आप अपने यू यू कैंसिल किए, हां कॉस यू स्क्वायर आएगा ना, यू कॉस थीटा का मतलब क्या आएगा, यू स्क्वायर बनेगा ना वहां पे सर, आपने एक्स को स्क्वायर नहीं लगाया ना उसमें, अच्छा हाँ शुरुआत में नहीं लगा, सॉरी यहाँ पे ये ना, ठीक ओके अभी क्लियर हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ, तो इक्वेशन ऑफ पाथ समझ गए, इसलिए आप बोलोगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन होती है पाथ की प्रोजेक्टाइल के पाथ की ये कैसी होती है, पैराबोलिक होती है, अभी समझ गया पूरा। हाँ फैज बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है सर, वो सेकंड स्टेप से फिर से बताइए ना, नहीं समझा, सेकंड स्टेप से एक्स की वैल्यू समझ गया, UXT कहां से आ गया पहले वाले पेज से, हाँ सर, y की वैल्यू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी समझ गया, ये भी कहां से आ गया है पहले पुराने पुराने पेज में से, समझाओ ना क्या सर, वो y की नहीं y वाला नहीं समझा मैंने, क्या बोला था आपको लिखने के लिए, इसीलिए तो बोला था मैंने कि आप लिखो कॉपी में, तो लिखोगे तो याद रहेगा, ये इक्वेशन समझ गए कहां से आ गई, ये इक्वेशन यस सर कहां से आई बताओ जल्दी से, चलो देखो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखोगे एस वाई इक्वल्स टू डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर लिखोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मतलब ये डेल्टा वाई है, ये अभी बताया था मैंने डेल्टा वाई या फिर एस वाई, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई किसके बराबर है, वाई के, क्यों है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन आपकी जीरो है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल आपका वाई दिख रहा है और इनिशियल आपका जीरो है, इसलिए ये टर्म ये है तुम्हारा, और यू वाई तो एज इट इज है, टी एज इट इज है, ए वाई की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा माइनस जी, क्योंकि आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया है, तो इसलिए ये इक्वेशन बनी, अभी क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर ओके, और ऐसे ही फिर एक्स डायरेक्शन के लिए आपको इक्वेशन लिखनी थी, तो x डायरेक्शन की इक्वेशन एस एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर आप लिखोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, तो जब आप ए एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट कर दोगे तो ये सिर्फ बचेगा x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, समझ गए, और y की ये इक्वेशन है, तो यहां से आप t को इलिमिनेट करो तो t इक्वल्स टू क्या आएगा x अपॉन यू एक्स आएगा, समझ गए, यहां से इलिमिनेट किया ना हमने, अरे भाई समझ गए अभी कि नहीं, देख लो x इक्वल्स टू यू एक्स टी है तो t की वैल्यू x अपॉन यू एक्स होगा और ये y की वैल्यू है, तो यहां पे y की जो इक्वेशन थी उसमें आप t की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दो, अभी क्लियर हो गया, हेलो अभी क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो y की इक्वेशन में बेटा t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, t की वैल्यू कहां से निकाले हमने, x इक्वेशन से निकाले, x डायरेक्शन की इक्वेशन, नीचे की दो स्टेप नहीं समझी, हां नीचे की दो स्टेप, कौन सी वाली नीचे की, जिसको बॉक्स में लिखा हूं मैंने, नो सर वो s y इक्वल टू डेल्टा y, यार जब ये नहीं समझा था तो पहले क्यों नहीं पूछा तूने, इसके पहले वाले पेज में मैंने क्या बोला था, इसको लिखना है करके, लिखने के लिए बोला था कि नहीं बोला था, तो वहीं पे पूछना था ना वो वाली स्टेप, नो सर वो समझ गया कि मैं पॉजिटिव कैसे आया, आपने तो नेगेटिव लगाया ना ऊपर, कहां पे नेगेटिव लगाया सर, वो हाफ के आगे, अरे ए वाई की वैल्यू पुट किया मैंने, ए वाई की वैल्यू क्या है, जी है, जी का डायरेक्शन किधर है, जी का डायरेक्शन किधर है,
नीचे, रुक जा अभी दोबारा बता रहा हूँ, ये डेल्टा वाई की वैल्यू समझ गया, वाई क्यों आ रहा है देख अभी, एस वाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे, वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन, तो वाई इक्वल्स टू दिस इज यू वाई, यू वाई ऊपर है तो इसको तू प्लस लिखेगा, प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई नीचे है, और ये है माइनस जी, तो इनटू टी स्क्वायर। अभी समझ गया कि नहीं? अब बोल, हेलो अभी समझ गया? अभी समझ गया? यस सर। ओके, ये मैंने इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि इसके पहले वाले पेज में मैंने तो पूरा कैलकुलेशन ही बताया था, और तुमको बोला था कि आप लोग लिखो, उसको लिखोगे तो फिर वो समझ के लिखा करो, ऐसा नहीं, वहीं पे जब बोलता हूँ कि भाई लिखना है इसको तो समझ के लिखो और वहीं पे पूछ लो, हाँ कि सर ये नहीं समझा, फिर अपन आगे बढ़ जाते, नहीं तो अभी देखो, अभी ये तो हो गया, फिर आगे बढ़। हाँ बोलो, कुछ पूछना अभी भी? हाँ बोलो बेटा रेणुका। सर अगर हम ऊपर की डायरेक्शन माइनस रहते तो वही इक्वेशन आती ना जैसे आपने अभी बताई है, माइनस जी स्क्वायर अल्टीमेटली। नहीं, फिर ऊपर का डायरेक्शन अगर तुम माइनस लेते तो एस वाई की जगह पे माइनस वाई आता, यू वाई की जगह पे माइनस यू वाई लिखते तो इक्वेशन बदल जाती ना वहां पे, समझ गए अभी? हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है, इनको ना इक्वेशंस को कम से कम आज जितना अपन पढ़ रहे हैं इसको आप कम से कम 8 से 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो, और ऐसा नहीं कि समझोगे नहीं, समझ में आ गया होगा, लेकिन 8 से 10 बार लिखकर मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, उससे आपको कॉन्सेप्ट याद होंगी, नहीं तो क्या होगा, भूल जाओगे, फिर दूसरे दिन फिर कहानी वही फंसेगी तुम्हारी, तो आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, ये ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो बस कहानी हो जाती है, हाँ लेकिन 8-10 बार लिख के देख लोगे तो फिर आगे कभी भी फंसोगे नहीं, तुम डायरेक्ट करते जाओगे, फिर कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। क्लियर हो गया अभी? तो 8 से 10 बार लिख कर देखो। अभी और कोई बचा है कहीं पर का डाउट? सर अगर एयर रेजिस्टेंस होता भी तो भी पैराबोलिक पाथ होता क्या? हाँ बेटा, लेकिन पैराबोला के अलावा कुछ और भी बन सकता था ना पाथ, ट्रेजेक्ट्री कुछ और आती, कुछ और इक्वेशन बन जाती वहां पे, अपन एकदम परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे कि एकदम पैराबोलिक ही होगा, समझ गए? देखो पैराबोला पहचानने की जो कंडीशन है वो ये है कि इक्वेशन आपके किस फॉर्म पे दिखनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे दिखनी चाहिए, अगर इक्वेशन इसके अलावा कुछ और फॉर्म पे दिख रही है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब के फॉर्म पे दिख रही, तो फिर आप उसको पैराबोलिक नहीं बोलोगे ना, ठीक है? हेलो सर, और इसके साथ कांस्टेंट जुड़ा रहा तो भी नहीं रहेगा? किसके साथ? ये इक्वेशन के साथ कोई कांस्टेंट और ऐड कर दी आगे? हाँ, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी तो भी पैराबोला है, लेकिन सी एक्स स्क्वायर नहीं होना, क्यूब नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, तो इसके साथ कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो तब भी पैराबोला बोलेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन ही है, ठीक है? अभी समझ गए या डाउट है कुछ? बोलो। हाँ सर, मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर पैराबोला हो जाएगी? हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ पैराबोलिक ही रहेगी, लेकिन वहां पे इक्वल टू जीरो नहीं करना, इक्वल टू जीरो कर दी तो वैल्यू जीरो होती है, फंक्शन के साथ में लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसा जैसे मैंने लिखा हूं। अगर मान लो तुमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दिए, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बोलोगे क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अभी क्लियर हो गया पूरा? हेलो, यस सर। तो इक्वेशन ऑफ पाथ समझ गए कि कोई डाउट है इक्वेशन ऑफ पाथ में? नो सर। सभी बच्चे, साहिल कहाँ गया? साहिल साहू, समझे सर? समझा बेटा? देखो जहां पर अटकते हो ना उसी पेज में तुरंत पूछा करो, है ना, ऐसा नहीं कि क्योंकि अपन तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं तो बोलते ही नहीं कभी भी एक्सप्लेन री एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुरंत पूछा करो, नहीं तो अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछो अभी की, सर ये स्टेप नहीं समझा, अभी भी बताऊंगा मैं। नहीं उठा रहे कोई भी हैंड रेस? नहीं थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे सर। पढ़े थे? पढ़े सर। ओके, तो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन और बाकी इक्वेशन भी आप लोगों ने देखा होगा,
सो के पढ़ते हो कि टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हो तुम? टेबल और चेयर सर, बैठ के तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन। अब बहुत आसान आसान कैलकुलेशन है बाकी के, ये बस थोड़ा सा ज्यादा पड़ता क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करो उसके बाद देखो, और इसके बाद के जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है और टाइमिंग अलग है। अभी 8 बजे खत्म नहीं होती क्लास, ध्यान रखना 8:10 पे क्लास खत्म होती। मैं आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ जो 4-5 मिनट लोग लेट ज्वाइन करते हो। पेज नंबर 4। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलोगे? जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, एयर में रहता है, वैसे तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। मतलब देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर आपने प्रोजेक्टाइल लिया, u वेलोसिटी एंगल थीटा, ये यहां पे जाके लैंड करेगा फिर, है ना। t इक्वल्स टू जीरो, ये कोऑर्डिनेट 0 0 और ये टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल t, समझ गया बेटा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x, ये तो r के बराबर है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है आपका r कॉमा 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा y? डेल्टा y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी यहां पे, यहां से यहां पर डेल्टा y कितना होगा? डेल्टा x तो r है और यहाँ पे डेल्टा वाई कितना हो गया? 0 आया ना, 0 आएगा ना। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा क्या? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिख रहा क्या? यहाँ पे ओरिजिन से चालू हुआ फिर यहाँ पे गिरेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वाई का वो तो 0 छे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन कितना हो गया आपका? 0। तो यहाँ क्या लिखोगे? सिंस एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में जो डेल्टा वाई है ये 0 है, सो देयरफॉर एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करना हमको, तो ए वाई आपका नीचे की तरफ है और आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया होगा। वेलोसिटी के कंपोनेंट आप देखोगे दिस इज यू वाई और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया आपका? यू एक्स, है ना। तो अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, व्हाट इज डेल्टा वाई? 0, uy 0 नहीं है, uy की जगह पे आप प्लस uy और यहाँ पे कैपिटल t प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू t स्क्वायर। समझ गए या नहीं ये स्टेप को? ये स्टेप समझ गए या नहीं? यस सर। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पे t स्क्वायर, यहाँ t है तो एक t कैंसिल हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लो, तो दिस इज माइनस uy इज इक्वल टू माइनस g y 2 इंटू कैपिटल t, so therefore time of flight is 2 uy upon g या 2 u sin theta upon g। ये time of flight की equation आ गई, time of flight, समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। अगर मान लो ये समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। और अगर मान लो मैं ये वाली जो स्पीड है, एक बार देख, ये t इक्वल्स टू 0 पे यहां से आपने लॉन्च किया, आफ्टर कैपिटल t टाइम ये फिर से ग्राउंड को हिट करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे। तो एट टी इक्वल्स टू टी पे टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन का वो 0, समझ गए कैसे? व्हाट इज इनिशियल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन? 0। फाइनल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन इज 0 टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। यहां पे नहीं, यहां पे तो वाई की वैल्यू आती कुछ, यहां पर भी वाई की वैल्यू आती, यहां भी आती, लेकिन जब ये यहां पहुंच गया तो एक्स की वैल्यू अब ये रेंज बन गया, जबकि y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे? 0 के बराबर हो गया, समझ गए?
हेलो समझ गए या नहीं? हाँ सर। यस सर। बस अब आपने ये इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन को आपने यूज किया और कैलकुलेट कर दिया, हो गया, समझ गए? सेकंड इक्वेशन को यूज किया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन इज कैपिटल टी टाइम पे जीरो है, यू वाई की जगह प्लस यू वाई, और टी की जगह स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी प्लस वन वाई टू, ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, हो गया सॉल्व करने पे, देखो ये ठीक है। अरे देख लो उसको, लिख लिख के देखना तब ऐसा है, समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा आपको। मैंने तो इक्वेशन लिख दिया है, आप लिखो इसको, लेकिन लिख लिख कर देखना है, तब ये आपको याद रहेंगी, ध्यान रहे, ठीक है? लिख लिख के देखो, क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन, मान लो मैं स्पीड यहां पर कितनी ले लेता, सपोज स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड और जी की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया और ये एंगल सपोज 30 डिग्री का है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते थे, टू यू की जगह पे कितना लेते आप 20 मीटर पर सेकेंड और साइन 30, उसके बाद आप जी की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना, आपने फार्मूला बनाते टाइम ही जी को तुमने नेगेटिव रख लिया था, तो अब यहाँ दोबारा आपको जी की वैल्यू को नेगेटिव नहीं लेना है, आप जब फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे, जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है बेटा, डायरेक्शन नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते कि यू वाई की वैल्यू, तो आपको प्लस यू साइन 30 लिखते और यहाँ माइनस 10 लिखते, तब भी वही आंसर आता, या फिर फार्मूले में पुट करके आप निकाल रहे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है? तो एक जीरो से एक जीरो गया, मीटर से मीटर गया, एक सेकंड से एक सेकंड चला गया, साइन 30 से ये 2 चला गया, सो व्हाट इज द आंसर हियर, 2 सेकंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया आपका, 2 सेकंड आ गया फॉर द गिवन डेटा। तो आप पहले तो ये फार्मूला डिराइव करना, ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कैसे सॉल्व करना है, समझ गए या नहीं? हेलो समझ गए? कोई डाउट किसी को टाइम ऑफ फ्लाइट के कैलकुलेशन में?